मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को पढ़ने नहीं देता, कृपया करके मुझे 10वीं बार में पास कर। गाइस फ्रॉम टुडे आई स्टार्टेड माय ब्लॉगिंग अगेन, सो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आई विल शेयर एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट कुछ कुछ थिंग आई विल शेयर विद यू। मज़ा आना चाहिए लोग, एकदम ओरिजिनल। आप लोगों को भी मजा आ रहा है। जिंदगी ना एकदम थम सी गई है, एकदम खाली। देखो ना, तुम कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ और प्रैक्टिकल बनाओ, असाइनमेंट बनाओ, इतना एक्सपेक्टिविटी ना। कॉलेज दूसरे मंथ एग्जाम दिलाओ, फिर दूसरे मंथ जाओ कॉलेज, फिर चौथे मंथ एग्जाम दिलाओ, बस एग्जाम ही लाते हैं हम कॉलेज जाते हैं। एकदम सही है। मतलब ना कहने का 6 महीने का कोर्स है, लेकिन वो हम लोग 3 महीने में कंप्लीट करते हैं। 3 महीने में, अब सोचो, अब उस भी इस 3 महीने में हम लोग को मिड टर्म भी देना है, 10-12 सब्जेक्ट भी पढ़ना है, प्लस मिड टर्म। और एक चौथे साल में हम लोग का दावे में क्या होता है ना कि हम लोग पीपल जो हमारे जो क्या बोलते हैं किसान रहते हैं, किसान से मिलते हैं, फिर उनमें कौन सा क्रॉप लगाए हैं, कौन सा डिजीज ज़्यादा आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब उनकी परेशानी को सॉल्व करते हैं फील्ड में, है ना। और कुछ दावे के बारे में आप हमारे दर्शकों को नॉलेज देना चाहते हैं? दावे में जाते हैं, बस में मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, वापस आते हैं। और ना गाइस, हमारे जो इस कॉलेज वाला जो बस है ना, उसमें डीजे लगा हुआ है, स्पेशल डीजे। सो गाइस, आज हमारे पड़ोसियों में क्या सब्जी बन रहा है? भिंडी का सब्जी। आज भिंडी का सब्जी बना रहे हो? और ये हमारी संध्या दीदी पता नहीं क्या कर रही है, चावल चुन रही है। और आज हो गया चाय गरम, दे दो उसको, मैं ना बाहर बहुत बहुत गहरी पढ़ाई चल रही है। हो गया तैयारी आपका? 1% हो गया। तब जाओगे ऐसी गड्ढा बना के। गुरुवा गड्ढा ऐसी कैसे बोलती, मैंने समझ लिया गुरुवा गड्ढा ने सुना। गुरुवा में जाओगे? गुरुवा में नरवा गरवा गुरुवा गुरुवा पाड़ी। हाँ, बहुत एग्रीकल्चर वालों को बहुत बेइज्जती हो रहा है मेरा। मिल रहा है एग्रीकल्चर से, नरवा गरवा गुरुवा, नरवा पानी इकट्ठा करना, वाटर मैनेजमेंट, नरवा गरवा गुरुवा में जाके वर्मी कंपोस्ट बनाना, और गरवा गरवा चार गरवा गरवा गुरुवा। गाइस क्या क्या सिखा रहे हैं? तो घरवा घुरवा हमने लग कछू नहीं सिखा था ना। कहाँ सिखा था हमने? लग छत्तीसगढ़ गोठियात लिखते तो हमने लग छत्तीसगढ़ी सिखवा सिखावा था। अब मेरे एकदम ऊपर से आता है थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी, तो समझ में भी आता है। तो ऐसा छत्तीसगढ़ी बाप रे, जो एकदम साइंस से आता है, साइंस से निकलता है एकदम। किसमें दीदी? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पढ़ने नहीं देता, प्लीज पास कर दो 10वीं 12वीं के रिजल्ट कौन मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को पढ़ने नहीं देता, कृपया करके मुझे 10वीं 12वीं पास कर दे। के नाम यार, मतलब लोग कैसे कैसे नहीं, जब नाम ही नहीं पता तो मैं उनके क्या भाई, दुनिया भर का भाई, कहाँ से आते हैं ऐसे चोचले वाले लोग। और ये कोई लड़का नहीं लिखा है, लड़की लिखी है। एक नंबर बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, ऐसे कांड करने वाले लोग। और पढ़ने का भी दिमाग नेक्स्ट लेवल का होता है इनका। क्या करो
और पढ़ रही पढ़ रहे हैं गाइस, अब नींद आ रहा है, अब नींद आ रहा है, चाय नहीं पी, चाय से नींद आ रहा है, चाय हम थोड़ा रखते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए गुड नाइट, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, और बस आज से स्टार्ट है एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट का लाइफस्टाइल, दुख दर्द पीड़ा दुख दर्द पीड़ा स्टाइल तो नहीं है मेरी, दुख दर्द ज़्यादा। सो गाइस मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय करुणा जी, बाय बाय। जाता क्या तेरा है मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तो बस नाम था है मेरा पा जो नहीं इतनी सी भी ना चली।